बिग बॉस सीजन 1 का हिस्सा बनी राखी सावंत ने किया है एक खुलासा। अपने सोशल मीडिया साइट पर राखी ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें राखी कुछ परेशान लग रही है। आइए दिखाते हैं आपको आखिर राखी की इस परेशानी की वजह क्या है। हाय फ्रेंड्स, देखा आपने, मैं अभी फिलहाल शादी भी मेरी हो गई है तो भी लोग मेरे पीछे हाथ धो के नहा धोकर पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है आप सबको बिग बॉस देखना चाहिए। देखिए आपकी राखी सावंत की नाम की कितनी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, वहाँ पर देख सकते हैं। बिग बॉस, आप तो सबसे ज़्यादा मुझे चाहते थे, हालांकि आप मेरे पहले हस्बैंड रह चुके हैं। बिग बॉस 1 में आपकी और मेरी शादी हुई थी, आप भूल गए? आप मुझे बार बार अंदर बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? आप मेरे हस्बैंड है बिग बॉस, आपकी रॉकी की इज्जत को उछाला गया है। अब आप फटाफट मेरे घर आइए, मुझे आपसे बात करनी है, प्राइवेट में बात करनी है। बिग बॉस, आप आ रहे हो या फिर मैं वहाँ आऊँ? आर यू कमिंग बिग बॉस? आप आ रहे हो या फिर मैं वहाँ आऊँ? सलमान से मैं कहूँ? और फिर वही उन्होंने कुछ और वीडियो अपलोड किए जिसमें राखी बिग बॉस 13 को चीयर कर रही है और साथ ही साथ कंटेस्टेंट से दरखास्त कर रही है कि वो उनके नाम का गलत इस्तेमाल ना करे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी सावंत और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मेरे स्ट्रॉबेरी है। सो बिग बॉस तो हमेशा मेरा फेवरेट रहा है शो, और मैंने तो कितने कम से कम 7 से 8 सीजन मैंने खुद किए हैं ऑल सेलिब्रिटीज के साथ, और फर्स्ट सीजन तो हमारा था। बिग बॉस तो हमेशा फेवरेट है और इस बार का बिग बॉस तो और मजा आ रहा है, वेरी नाइस। इसमें मेरे सभी फ्रेंड है, रश्मि देसाई, सिद्धार्थ से लेकर सभी जितने भी हैं उसमें, पारस, शेफाली, जितने भी हैं ये सब मेरे ही फ्रेंड्स हैं और अमेजिंग है। आई नो कि उन्होंने मेरा थोड़ा नाम उछाला है, डजेंट मैटर। कहते हैं कि जिस पेड़ में फल उगते हैं उसी पर लोग पत्थर मारते हैं। सो आई एम अ टॉक ऑफ द टाउन। हे फ्रेंड्स, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग बिग बॉस 13 जरूर देखें। इट इज सो इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, मेरे नाम की धज्जियाँ तो उड़ाई दी है। कोई कहते हैं पंजाब की राखी सावंत, कोई कहते हैं धारावी की राखी सावंत, कुरला की राखी सावंत, पता नहीं कहाँ कहाँ की राखी सावंत। दुनिया वालों सुन लो मेरी बात कान खोलकर, राखी सावंत इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। भैया मेहनत करके आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। राखी सावंत बनना मामूली काम नहीं है, बहुत चप्पल घिसने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, समझे? तब जाके बनती है राखी सावंत, समझे? हाँ, जैसे ओबामा बिन लादेन कैसा बनाना इतनी मेहनत से सबको मार मार के, वैसे हम बहुत मेहनत कर करके बने हैं, समझ गए? मोदी जी मेहनत करके बने हैं। राखी आए दिन किसी ना किसी चर्चा का विषय बनी रहती है, पर उनका लाइमलाइट में रहने का विषय कंट्रोवर्सी ही रहती है। कभी उनका लव अफेयर, तो कभी उनकी पब्लिक में सुहागरात की प्लानिंग, तो कभी उनकी शादी, और अब राखी के अजीबोगरीब वीडियोस जिसे वो हर न्यूज चैनल पर चमकती रहती है, और इसीलिए तो राखी को कंट्रोवर्शियल क्वीन कहा जाता है। ऐसे ही ढेर सारी कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।